चैनल कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने मेरे फेस पे मेकअप लगाया है क्योंकि जस्ट अभी मैंने एक वीडियो शूट किया। इस वीडियो से पहले वो वीडियो आ चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आ चुका होगा तो मैं यहाँ पे आई बटन में वो लिंक डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो जैसे कि आज हम करने वाले हैं 24 आवर मैंगो ईटिंग चैलेंज। समर सीजन है और आम का सीजन है, तो क्यों ना भाई हम आम का मजा लिया जाए पूरे 24 घंटे के लिए। तो बस हम आम ही खाने वाले हैं, सुबह शाम दिन और रात हर टाइम पे आम आम आम। और आपको देखने के लिए मजा आएगा और मुझे तो भाई मजा तो आने ही वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या क्या खाऊंगी, देन कीप कंटिन्यू वॉचिंग। सो हियर आई एम मेकिंग अ ब्रेकफास्ट। आई हैव चॉप्ड 1 मैंगो एंड दैट आई एम एडिंग हियर हनी। यू कैन एड शुगर एज वेल। और इसमें मैंने बाद में मिल्क भी एड किया था। और यहाँ पे हमारा थिक मैंगो शेक इज रेडी। आई एम पोरिंग इट इंटू अ ग्लास। और जैसे चाहिए वैसे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ किशमिश डाल रही हूँ और थोड़े से चॉप्ड आलमंड्स एड कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। I'm the one you saw. Is it a love? Yeah, is it a love? Yeah, it's a love. यहाँ पे हमारा यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट रेडी है। डोंट आस्क मी टाइम बिकॉज इट्स टू लेट, क्योंकि मेरा शूट, जैसे मैंने बोला था शूट चल रहा था तो खाने पीने का मेरा मतलब भूल ही गई थी मैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। टेस्ट टेस्ट। इट्स अमेजिंग। इट इज प्रॉपरली अ मिल्क शेक। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा फ्लेवर लग रहा है इस मैंगो शेक में। लंच टाइम गाइस, एंड फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई ओन वर्जन। जो रेसिपी का नाम बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ। इसमें मैंने चॉकलेट केक लिया है जो मैंने घर पे ही बनाया था। फिर मैंने मैंगो का आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम जो घर पे था मेरे, उसे ऐड किया है। और इसमें ना बहुत ही सारे मैं रिप मैंगो डालने वाली हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। एंड लुक एट द कलर, हाउ प्रिटी इट इज, राइट। बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी फूड है हमारे पास में। यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक, बहुत सारे मैंगोज और थोड़ा मेरे पास में बटर स्कॉच आइसक्रीम भी था। तो ये यम्मी यम्मी सा लंच है, तो हम अभी ये खाने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। ऐसा कॉम्बिनेशन मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ बाय द वे। आपको कौन सा रेसिपी आम का सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट डाउन बिलो। हेलो गाइस, तो लंच के बाद में मैंने कुछ भी खाया नहीं है और मुझे अभी भूख भी नहीं लगी है। शायद से मैं चाय पीऊंगी, क्योंकि कोई भी चैलेंज हो मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाय पीने वाली हूँ। और आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। लुक एट दी कंडीशन ऑफ माय बेडरूम। इतना भी ज़्यादा आज मतलब स्टफ नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पसारा हो जाता है। तो आज काफ़ी हद तक मैंने कम मतलब चीज़ें निकाली है बाहर, बट आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया, अभी मैंने एक वीडियो बनाया, और अभी तो एक ऑलरेडी वीडियो चल ही रहा है। मतलब 3 वीडियो आज मैंने बनाए हैं, विच इज़ रियली ग्रेट कि मैंने इतने सारे वीडियो बनाए। अदरवाइज़ क्या होता है, एक वीडियो
मैक्सिमम एक या दो वीडियो बनते हैं, लेकिन आज मैंने 3 वीडियो बनाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक वीडियो मतलब वीडियो में लिपस्टिक का स्वॉच कर रही थी, तो सुबह मैंने ये स्वॉच किया था, अभी तक मेरी ये लिपस्टिक हटी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये लिप से रिमूव करती हूँ, मेकअप को भी रिमूव करती हूँ और सारी चीज़ों को मैं अपने उनकी जगह पर रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं इवनिंग स्नैक्स बना रही थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मुरमुरे लिए हैं। आई डोंट नो हर जगह पे इनको क्या क्या कहते हैं, पफ फ्राइज भी इनको कहते हैं। तो इसमें मैंने कच्ची कैरी डाल दी है, टोमेटो स्लाइसेस डाल दिए हैं और अनियन को मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया है। तो भेल जैसे बनाते हैं वैसा सारा मैं डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है एंड मिक्स। यहाँ पे ना मेरा सिंपल सा डिनर है जिसमें मैंने चॉकलेट केक और मैंगो को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और यहाँ पे मैंने मैंगो। तो हम अभी डिनर का टेस्ट करते हैं जो कि है शेक। वैसे मैं YouTube पे बहुत सारी रेसिपीज देख रही थी कि भाई मैंगो से और क्या क्या बनता है, लेकिन बहुत ही रेयर सी रेसिपीज है। मोस्ट प्रोबेबली मैंगो शेक, मैंगो जूसेस या मैंगो पुडिंग ऐसा ही कुछ था, तो इसके सिवा और कुछ भी ऑप्शन थे नहीं अवेलेबल। तो ये हमने चॉकलेट मैंगो का शेक बनाया है। शेक के साथ में मैंने कुछ यहाँ पे थोड़े मैंगो भी लिए हैं, इनको भी मैं खाऊंगी क्योंकि डिनर थोड़ा सा मैं अच्छा करूंगी तो मुझे नींद भी आएगी, अदरवाइज खाली खाली पेट में सोना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये सब खा के फिर आपसे मिलती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा है देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए। और कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा फूड चैलेंज देखना पसंद आएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।